सैमसंग ने गैलेक्सी S24 सीरीज ऑफिशियली लॉन्च कर दी है। इसमें कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जो एंड्रॉयड वर्ल्ड में पहली बार हुआ है, साथ ही कुछ ऐसे वाहियात अपग्रेड भी किए हैं जिनकी वजह से ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी नहीं है। शुरू करते हैं कुछ अच्छी चीजों से। तो अब S24 सीरीज के सभी स्मार्टफोन में इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट पर HDR हाई क्वालिटी में इमेजेस एंड वीडियोज डिस्प्ले होंगे और पैरेलली HDR क्वालिटी में इमेजेस एंड वीडियोज पोस्ट भी कर सकेंगे। ये फीचर अब तक ओनली आईफोन में ही अवेलेबल था, तो फाइनली अब ये एंड्रॉइड स्मार्टफोन में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट, सैमसंग ने पिक्सल 8 सीरीज की तरह S24 सीरीज में 7 ईयर्स के OS एंड सिक्योरिटी अपडेट अनाउंस किया है, जो पहले 4 ईयर्स एंड्रॉइड अपडेट और 5 ईयर्स सिक्योरिटी अपडेट था। और सबसे अच्छी बात, S24 सीरीज में आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 मिलता है, तो ये एंड्रॉइड 21 तक जाने वाला है। 2030 तक आपको स्मार्टफोन चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होने वाली। डिजाइन की बात करें तो सभी स्मार्टफोन कैमरा कटआउट से S23 सीरीज के सिमिलर ही है, लेकिन इस बार सभी स्मार्टफोन की साइड फ्रेम फ्लैट कर दी है और कॉर्नर थोड़े राउंडेड। S24 एंड S24 प्लस आईफोन 15 की तरह बॉक्सी डिजाइन में है। सभी मॉडल्स में स्पीकर ग्रिल की डिजाइन चेंज करी है, अब कैप्सूल कटआउट दिया है जो देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है और साउंड की क्वालिटी इसकी वजह से इंप्रूव हो जाएगी, किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है बीच में। फ्रंट से सभी मॉडल्स में डिस्प्ले बेजल्स और भी कम कर दिए है। साथ ही सैमसंग ने S24 अल्ट्रा में कर्व डिस्प्ले को डिच करके फ्लैट डिस्प्ले दी है, बिकॉज कर्व डिस्प्ले की दो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, फर्स्ट रिपेयर कॉस्ट बहुत हाई है और सेकंड अनवांटेड टचेस। बिल्ड के मामले में S24 अल्ट्रा में आउटर बॉर्डर पर टाइटेनियम फ्रेम दी है, बैक पैनल एंड डिस्प्ले पर लेटेस्ट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर की प्रोटेक्शन। गोरिल्ला ग्लास आर्मर अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्क्रेच रेजिस्टेंट ग्लास है विद 99% ट्रांसपेरेंसी। और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर का एक फायदा यह भी है कि यह लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो जो भी आप डिस्प्ले में देख रहे हो वो आपको अच्छे से विजिबल होगा, उसमें आउटर एनवायरनमेंट की लाइट का इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं होगा। लेकिन S24 अल्ट्रा के अंदर टाइटेनियम फ्रेम देने के बावजूद भी इसके अंदर ओनली 1 ग्राम का वेट ही कम हो पाया है S23 अल्ट्रा से। इसका रीजन सिंपल सा है, S23 अल्ट्रा के अंदर एल्यूमिनियम बॉडी मिलती है, वो भी एक लाइट मेटल ही है, जबकि S24 एंड S24 प्लस में कोई अपग्रेड नहीं है। S23 एंड S23 प्लस की तरह ही है, एल्यूमिनियम फ्रेम है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिल जाती है बैक पैनल और डिस्प्ले के ऊपर। तीनों ही स्मार्टफोन 4 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, ब्लैक, ग्रे, येलो एंड वॉयलेट। बट S24 अल्ट्रा में वॉयलेट कलर 2 कलर टोन में है, आउटर बॉडी टाइटेनियम ग्रे कलर में है और बैक पैनल वॉयलेट कलर में है, और ये कलर मुझे ज्यादा पसंद आया अदर कलर के कंपैरिजन में। डिस्प्ले की बात करें तो बेस वेरिएंट S24 एंड S24 प्लस में 0.1 इंच से डिस्प्ले साइज अपग्रेड किया गया है। S24 के अंदर अब 6.2 इंच मिलती है डिस्प्ले साइज और S24 प्लस में 6.7 इंच है, लेकिन S24 अल्ट्रा के अंदर सिमिलर ही है 6.8 इंच। सभी मॉडल्स में डिस्प्ले पीक ब्राइटनेस है 2600 निट्स और सभी मॉडल्स में डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है विद 120 हर्ज रिफ्रेश रेट। और इस बार सैमसंग ने S24 प्लस को S24 से डिफरेंट बनाने के लिए इसकी डिस्प्ले के पिक्सल रिजोल्यूशन को अपग्रेड किया है। इसमें भी S24 अल्ट्रा में लगी सेम पिक्सल रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है, ये भी एक QHD डिस्प्ले है, जबकि S24 के अंदर किसी तरह का कोई अपग्रेड नहीं किया गया है S23 से। सभी मॉडल्स के अंदर 8K 60fps तक की वीडियो प्ले आप कर सकते हो। और एक नोटिस करने वाली बात, सैमसंग ने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले फीचर को अपग्रेड किया है, ये अब ऑलमोस्ट iOS 17 की तरह ही लग रहा है। तो कैमरा डिपार्टमेंट में जाने से पहले हम बात करेंगे कुछ जबरदस्त यूजफुल जनरेटिव AI फीचर्स के बारे में जो सैमसंग ने S24 सीरीज में नए ताजा ऐड किए हैं। नंबर 1, लाइव AI लैंग्वेज ट्रांसलेशन। इस फीचर की हेल्प से किसी अदर कंट्री में किसी पर्सन से बात करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी मदर टंग हिंदी है और आपको स्पेनिश नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप कॉल पर बात कर रहे होंगे तो अगर वो स्पेनिश पर्सन स्पेनिश लैंग्वेज में बोलता है तो आपको हिंदी में ही सुनाई देगा, और जब आप हिंदी लैंग्वेज में उसका रिप्लाई करोगे तो स्पेनिश पर्सन को वो स्पेनिश में ही सुनाई देगी। ये फीचर टोटल 13 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। जो भी लैंग्वेज आपकी रिक्वायरमेंट है उसका वॉइस पैक सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर ये फीचर इनेबल हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से कम्युनिकेशन बैरियर एकदम खत्म हो सकता है। ये फीचर अभी इतना ज्यादा फाइन नहीं है, बट आने वाले 2-3 सालों के अंदर ये एकदम परफेक्टली वर्क करेगा। इसके साथ ही लाइव चैट ट्रांसलेशन फीचर भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है सर्कल टू सर्च। इस फीचर की हेल्प से अगर आपको कोई चीज सर्च करनी है, आपको नहीं पता लग रहा कि ये चीज क्या है, किस नाम से है, मैं क्या टाइप करूं ताकि गूगल मेरे को ये फीचर शो करे, जिस चीज के बारे में आपको जानना है उसके ऊपर सिंपली सर्कल ड्रॉ कर दो, ये आपको फिर गूगल पर रीडायरेक्ट कर देगा। ये सिंपली गूगल लेंस सर्च वाला फीचर ही है, इसको और भी ज्यादा फाइन कर दिया गया है इस फीचर के साथ। नेक्स्ट है वन क्लिक में AI की हेल्प से
वेब पेज की समरी आपके सामने बुलेट पॉइंट में आ जाएगी। अगर आप एस पेन से नोट्स बनाते हो और आपकी हैंडराइटिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, आपने जो भी वर्ड्स लिखे हैं वो सही ओरिएंटेशन में आ जाएंगे वन क्लिक में। एआई फोटो एडिटर की हेल्प से किसी भी इमेज में लाइट रिफ्लेक्शन रिमूव कर सकते हैं, शेडोज रिमूव कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर सकते हैं, उसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, साथ ही बैकग्राउंड भी एकदम चेंज कर सकते हैं। और ये फीचर इतना ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस फोटो को एडिट किया गया है। और इस फीचर का मिसयूज ना हो उसके लिए सैमसंग ने 3-स्टार मेटाडेटा वाटरमार्क भी इसके अंदर ऐड किया है। अगर इससे कोई भी फोटो एडिट करी जाएगी तो बॉटम में 3-स्टार वाला वाटरमार्क ऐड हो जाएगा। और रिसेंटली मैंने ये एक्स के ऊपर एक पोस्ट देखी जिसमें बताया जा रहा है कि इस वाटरमार्क को रिमूव भी कर सकते हैं, वो भी ऑफलाइन एडिटर से। तो उम्मीद कर सकते हैं ये फीचर कुछ टाइम बाद अपडेट की हेल्प से फिक्स हो जाएगा। एआई की हेल्प से आप अपने हिसाब से वॉलपेपर भी जनरेट कर सकते हो। आपको जिस तरह का बैकग्राउंड पसंद है या जिस तरह का ऑब्जेक्ट चाहिए वो आप सिंपली टाइप करो और आपके सामने इस तरह का वॉलपेपर जनरेट हो जाएगा। सैमसंग ने कुछ जनरेटिव एआई फीचर्स एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले सिस्टम में भी ऐड किए हैं। इन फीचर्स की हेल्प से ऑटोमेटिक मैसेजेस की समरी मिल जाएगी और ईटीए का सपोर्ट भी मिलता है फॉर क्विक रिप्लाई, तो अब ड्राइविंग के टाइम डिस्ट्रैक्शन एकदम कम हो जाएगी। तो जनरेटिव एआई फीचर्स तो इतने थे, लेट्स मूव ऑन। सैमसंग ने कैमरा डिपार्टमेंट में क्या क्या अपग्रेड किया है। फिजिकली बात करें तो बेस मॉडल S24 एंड S24 प्लस में किसी तरह का कोई सेंसर अपग्रेड नहीं किया गया, सब कुछ सेम है। 50 मेगापिक्सल मेन प्राइमरी लेंस है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस 3x ऑप्टिकल जूम के साथ। और बस S24 अल्ट्रा में एक 50 मेगापिक्सल का नया टेलीफोटो लेंस ऐड किया गया है 5x ऑप्टिकल जूम के साथ। और अदर लेंस तो सेम ही है, 200 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी लेंस है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस 3x ऑप्टिकल जूम के साथ। बेस वेरिएंट S24 एंड S24 प्लस में मैक्सिमम 8K 30fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और 4K 60fps का ऑप्शन भी मिलता है। और S24 अल्ट्रा से बैक कैमरा से 8K 30fps तक की मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, साथ ही 4K 120fps तक का ऑप्शन भी मिलता है और 1080p क्वालिटी में 240fps का ऑप्शन मिलता है। और इस बार स्लो मोशन के अंदर भी 4K 120fps का ऑप्शन दिया गया है और प्रो मोड के अंदर भी आप 120fps तक जा सकते हो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में। और 5x ऑप्टिकल जूम पे 8K 30fps तक की मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, साथ ही 10x जूम के ऊपर भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग तक का ऑप्शन मिलता है। और इस बार एक नया फीचर ऐड किया गया है, 30fps के वीडियो को आप स्लो मोशन में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी 120fps के अंदर। और इसमें किसी तरह का कोई जिटर नहीं है, कोई लेग नहीं है, एकदम स्मूथली ये वर्क करता है, वीडियो की क्वालिटी भी डाउन नहीं होती। और सैमसंग ने 50 मेगापिक्सल के न्यू सेंसर की फोटोज एंड वीडियोस की क्वालिटी को इंप्रूव किया है स्पेशली लो लाइट कंडीशन के लिए। तो अब आप लो लाइट कंडीशन में और भी ज्यादा बेहतर क्वालिटी की इमेज कैप्चर कर पाओगे विद न्यू 50 मेगापिक्सल 5x ऑप्टिकल जूम लेंस से। परफॉर्मेंस की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में लेटेस्ट लॉन्च क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिप लगी है जो कि 4 नैनोमीटर पर बेस्ड है और ये iPhone 15 Pro Max के अंदर मिलने वाली A17 Pro चिप से थोड़ा सा डाउनग्रेड है। तो अगर परफॉर्मेंस के मामले में कंपेयर किया जाए iPhone 15 Pro Max से तो अभी भी S24 Ultra पीछे है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सैमसंग ने S24 एंड S24 Plus में Exynos 2400 4 नैनोमीटर पर बेस्ट चिप दी है। और जैसा कि आप सबको पता है Exynos चिप के अंदर तो हीटिंग इश्यूज जरूर होते हैं और शायद इसका एक एग्जांपल जैसा कि आप देख पा रहे हो S24 Plus के बेस वेरिएंट का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हुआ है विद कंपेयर S24 अल्ट्रा। लेकिन सैमसंग ने इस बार भेदभाव किया है, USA कनाडा एंड चाइना के अंदर S24 एंड S24 Plus में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिप दी है और अदर कंट्रीज के अंदर Exynos 2400 चिप दी है। बैटरी एमएएच की बात करें तो S24 के अंदर 4000 mAh की बैटरी मिलती है और ये 100 mAh अपग्रेड हुआ है लास्ट सीरीज के कंपैरिजन में और S24 के अंदर 200 mAh का अपग्रेड हुआ है। अब इसके अंदर 4900 mAh की बैटरी मिलती है और S24 अल्ट्रा के अंदर सिमिलर ही है 5000 mAh की बैटरी मिलती है और चार्जिंग कैपेसिटी ओनली S24 प्लस के अंदर ही अपग्रेड करी गई है। 25 वाट से अब 45 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है जबकि S24 के अंदर किसी तरह का कोई अपग्रेड नहीं किया गया है और ना ही S24 अल्ट्रा के अंदर। और 15 वाट वायरलेस चार्जिंग और 4.5 वाट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सभी मॉडल्स में मिलता है। लेकिन इस बार सैमसंग को चार्जिंग स्पीड के अंदर थोड़ा बहुत अपग्रेड करना चाहिए था बिकॉज 30,000 के ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन के अंदर आज के टाइम पे 67-68 वोट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, 45 वोट बहुत कम है। अदर फीचर्स की बात करें तो सभी मॉडल्स के अंदर डुअल ईसीएम का सपोर्ट मिलता है जो एक बहुत अच्छी बात है। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है, वाईफाई 7 मिलता है और एनएफसी का सपोर्ट भी दिया गया है, हेडफोन जैक तो नहीं मिलता। स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, यूएसबी टाइप सी 3.2 जेन 1 दिया गया है और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है
और सभी तरह के सेंसर मिल जाते हैं। और S24 अल्ट्रा के अंदर वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम 1.9 टाइम्स लार्ज है S23 अल्ट्रा से। प्राइस की बात करें तो इंडिया के अंदर S24 के बेस वेरिएंट की प्राइस है 80,000 रुपए और S24 प्लस के बेस वेरिएंट की प्राइस है 1,00,000 रुपए और S24 अल्ट्रा के बेस वेरिएंट की प्राइस है 1,30,000 रुपए। और अगर S24 अल्ट्रा के अंदर आपको 512 GB स्टोरेज चाहिए तो आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और सैमसंग ने इस बार S24 के अंदर किसी तरह का कोई अपग्रेड नहीं किया है S23 सीरीज से, बस ओनली जनरेटिव AI फीचर्स नए ऐड कर दिए और S24 को डाउनग्रेड किया है परफॉर्मेंस के मामले में, बिकॉज उसके अंदर एक्जिनियोस 2400 चिप दी है जबकि S23 के अंदर कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 मिलता है। तो आपके अगर जनरेटिव AI फीचर्स इतने काम के नहीं है तो S23 आज के टाइम पे एक वेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। और मे बी फ्यूचर के अंदर S23 सीरीज के अंदर भी कुछ जनरेटिव AI फीचर्स एड हो सकते हैं UI अपग्रेड के साथ। तो यहाँ पर S24 को बाय करने का कोई सेंस नहीं बनता। S24 प्लस एंड S24 अल्ट्रा के अंदर बहुत ही ज्यादा अपग्रेड हुआ है तो वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, बट S24 तो किसी तरह से वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता। और S24 सीरीज के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट करके बता सकते हो।